इस कहानी की शुरुआत में हमें बस्टर मून के थिएटर को दिखाया जाता है जो कि शहर का फेमस थिएटर बन चुका था। थिएटर में मीना शो करती है जो कि लोगों को काफी पसंद आता है। शो को देखने सुकी आई थी जो कि क्रिस्टल एंटरटेनमेंट थिएटर की मैनेजर होती है। मून मिस क्रॉली के पास जाकर सुकी के बारे में पूछता है कि सुकी को शो कैसा लग रहा है। क्रॉली कहती है कि उन्हें अभी तक शो ठीक लग रहा है। सुकी वहां से जाने लगती है। मून उसे जाता देख उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो नहीं रुकती और मून से कहती है कि हमें बड़े शो की तलाश है और तुम लोगों में वो बात नहीं। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मून साइकिल से सुकी की कार का पीछा करता है और उससे उनके शो के ऑडिशन के बारे में पूछता है। सुकी कहती है कि वो कल है मगर तुम वहाँ मत आना और वो अपने ड्राइवर से कार को तेज चलाने को कहती है। मून भी कार का पीछा करते समय पानी के अंदर गिर जाता है जिसकी वजह से वो गीला हो गया था और उदास होकर अपने थिएटर फिर से चला जाता है। नाना मून के पास जाती है जो कि एक टेबल के ड्रॉवर में छिपकर बैठा था। मून कहता है कि मैं हार गया क्योंकि मैं सुकी को नहीं रोक पाया और उसे मेरा शो भी पसंद नहीं आया, इस वजह से उसने मुझे मना कर दिया। मिस नाना मून से कहती है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा और उसका हौसला बढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं मून को रात में नींद नहीं आती क्योंकि वो खुद को प्रूफ करना चाहता था, इसीलिए अपना बैग पैक करता है और रोशिता को कॉल कर अपने सभी साथियों को इकट्ठा करने को कहता है और खुद एश के शो में उसे लेने जाता है। एश भी मून के साथ चली जाती है क्योंकि वो जो भी शो करती थी उसे उसका प्रोड्यूसर उसके आधे पैसे देता था। सभी मून के कहने पर एक जगह इकट्ठे हो गए। मून सभी से कहता है कि हम सुकी के शो में ऑडिशन देंगे। सभी ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि सुकी उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है, इसीलिए वो फिर से उसके पास जाकर रिजेक्ट नहीं होना चाहते थे। मून को भी लगता है कि सुकी के बॉस को उनका शो पसंद आएगा, इसीलिए वो सभी के लिए बस टिकट ले आता है मगर बस वहाँ से जाने लगती है। रोशिता आकर बस को रोक लेती है और सभी से कहती है कि हम सभी के सपने पूरे करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए और हमें रेड शोर सिटी में जाकर ऑडिशन देना होगा। सभी रोशिता की बात से सहमत होते हैं और बस में चढ़ जाते हैं। मिस क्रॉली भी शो के लिए यूनिक ड्रेस पहनकर आई थी जो कि मून की असिस्टेंट थी। सभी बस में शो की प्रैक्टिस करते हैं। बस में बैठे सभी लोग उनके गाने सुनकर अपने सफर को एंजॉय करते हैं। वहीं अगले दिन सभी रेड शोर सिटी पहुंच जाते हैं जो कि काफी खूबसूरत थी। फिर वो क्रिस्टल एंटरटेनमेंट ऑफिस में ऑडिशन देने के लिए जाते हैं मगर उनके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता जिसकी वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता। इस बात से सभी काफी उदास होते हैं और वापस जाने लगे। मून सभी को एम्प्लॉय रूम के अंदर ले जाता है और मीना को एक ड्रेस पहनाता है जो कि वहां के स्वीपर्स की थी। सभी मीना के पीछे छिपकर अंदर जाने लगते हैं। ड्रेस की वजह से उन्हें कोई पहचान नहीं पाता। मीना रूम में से एक एम्प्लॉय आईडी भी लेकर आ गई थी जिसकी वजह से सभी दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। जहां सभी ऑडिशन देने वाले लोग थे वो सभी को देखकर पोछा मारने लगते हैं और सभी से छिपकर अपनी ड्रेस बदल लेते हैं और ऑडिशन देने अंदर चले जाते हैं जहां मिस्टर क्रिस्टल ऑडिशन ले रहे थे मगर उन्हें कोई भी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती और अपने असिस्टेंट जेरी पर चिल्लाने लगते हैं। जेरी मून को देख लेता है और उसे ऑडिशन देने के लिए बुलाता है। मून की टीम तैयार नहीं थी पर उसके पास इससे अच्छा मौका नहीं था, इसीलिए बिना तैयारी के ऑडिशन देने लगते हैं मगर क्रिस्टल को वो शो पसंद नहीं आता। सभी वहाँ से जाने लगते हैं तभी गुंटर जाते हुए क्ले का नाम लेती है जिसे क्रिस्टल सुन लेता है और कहता है कि वो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है। मून झूठ बोलता है और कहता है कि हम सब उन्हें जानते हैं। क्रिस्टल उन्हें अपने थिएटर में शो करने के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और उनसे शो का नाम पूछता है। गुंटर कहती है कि शो का नाम दुनिया से बाहर है और ये सभी के साथ गाना गाने लगती है। क्रिस्टल शो को इमेजिन करने लगता है और मून से क्ले को शो में लाने को कहता है। तभी सुकी वहाँ आती है और क्रिस्टल से कहती है कि क्ले को शो में नहीं ला सकते। मून झूठ बोलता हुआ कहता है कि मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूँ और मैं उन्हें शो में ला सकता हूँ। क्रिस्टल सभी को अपने साथ ले जाता है और उन्हें शो की तैयारी करने के लिए 3 हफ्ते का समय देता है और सुकी से कहता है कि इन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो जिसकी वजह से शो खराब हो। क्रिस्टल जाते हुए मून से कहता है कि अगर तुम्हारी वजह से मेरा नाम खराब हुआ तो मैं तुम्हें छत से नीचे फेंक दूंगा और वहाँ से चला जाता है। सभी इस बात से काफी खुश होते हैं क्योंकि वो रेड शोर सिटी में शो करने वाले थे। एश मून से कहती है कि मैं क्ले की बहुत बड़ी फैन हूँ और उनकी वाइफ की मौत के बाद 15 साल हो गए मगर उन्हें किसी ने नहीं देखा। मून क्रॉली से क्ले को ढूंढने में मदद करने को कहता है जिसके लिए वो मान जाती है। वहीं क्ले के शो में आने की खबर न्यूज में चलती है जिसे
उसे देखकर लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि उसे 15 साल के बाद क्ले को गाना गाते देखेंगे। वहीं मून और गुंटर मिलकर शो की स्क्रिप्ट लिखते हैं। तभी मून के पास उसकी प्रोडक्शन टीम आती है जो उनके शो के लिए सेट बनाने वाली थी, मगर मून उसके लिए तैयार नहीं होता। उन्हें देर से आने को कहता है। क्रॉली मून से कहती है कि क्रिस्टल ने तुम्हारे लिए एक नोट भेजा है जिसमें लिखा है कि गड़बड़ मत करना वरना मैं तुम्हें छत से फेंक दूंगा। यह बात सुनकर मून काफी डर जाता है। वहीं मून सभी को अपने शो का मॉडल बताता है जिसमें लीड रोल रोसिता करती है, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट है जो अपने रोबोट के साथ एक मिसिंग स्पेस एक्सप्लोरर को ढूंढती है और उसे ढूंढने के लिए चार प्लेनेट पर जाती है, जिसमें पहला प्लेनेट प्यार का होता है, दूसरा युद्ध का और बाकी के खुशियों और निराशा के, और हर प्लेनेट म्यूजिकल है जिसे हमारी टीम परफॉर्म करेगी और वो एंड के बारे में नहीं बताता। मून जोनी को एक एलियन योद्धा का रोल देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। शो के बारे में सुनकर सभी काफी खुश होते हैं। मून जोनी को मिस्टर क्लाउस के पास ले जाता है जो उसे डांस सिखाने वाले थे। मीना मून के पास आकर कहती है कि गुंटर ने मुझे बताया है कि मैं एक रोमांटिक सीन करने वाली हूँ जिसमें मुझे अपने पार्टनर को किस करना होगा, मगर मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। मीना एक शर्मिले मिजाज की लड़की होती है जिसकी वजह से वो इस रोल को लेकर काफी परेशान थी। मून कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पार्टनर चुनूंगा। प्रोडक्शन टीम का लीडर मेसन मून के पास आता है और मून से कहता है कि हम सेट का काम चालू करने के लिए तैयार हैं। मून कहता है कि मुझे एक रात का समय और चाहिए। मेसन समझ जाता है कि मून को सेट के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए वो जोर से चिल्लाकर सभी को बताने लगता है कि मून को पता नहीं है कि सेट कैसे बनाया जाए, मगर उसकी बात कोई नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं गुंटर और मून मिलकर शो की स्क्रिप्ट फिर से लिखने लगते हैं। तभी वहाँ रोसिता का पति अपने सभी बच्चों के साथ रोसिता का शो देखने आता है। रोसिता का पति नॉर्मन रोसिता से काफी खुश था क्योंकि वो शो में लीड रोल करने वाली थी। वहीं क्रॉली क्ले के घर का एड्रेस ढूंढ लेती है और मून को उसके बारे में बताती है। मून क्रॉली से कहता है कि तुम कल सुबह जाकर क्ले से मिलोगी और हमें उन्हें इम्प्रेस करने के लिए एक कार किराए पर लेनी होगी। वहीं जोनी क्लाउस के साथ डांस प्रैक्टिस करता है, मगर क्लाउस को उसकी प्रैक्टिस पसंद नहीं आती। मून जोनी से कहता है कि तुम ये कर सकते हो। जोनी कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि क्लाउस मुझे पसंद नहीं करते। वहीं मून ने मीना के लिए डेरियस को उसका पार्टनर चुना था। डेरियस काफी मॉडर्न था और मीना शर्मीली होती है जिसकी वजह से मीना को पसंद नहीं आता, मगर वो दोनों अपनी प्रैक्टिस करने लगते हैं। मीना ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती। वहीं क्रॉली क्ले से मिलने के लिए उसके घर जाती है, मगर वो घर के बाहर लगा बोर्ड नहीं पड़ती जिस पर अंदर जाने के लिए मना कर रखा था और वो गेट को खोलकर अंदर जाने लगती है, मगर क्रॉली के अंदर आने की वजह से वहाँ लगा अलार्म बजने लगता है। उसे सुनकर क्ले उसके ऊपर कलर फेंक कर उसे मारने लगते हैं, जिसकी वजह से क्रॉली डर कर वहाँ से भागने लगती है और उसकी आँख वहीं गिर जाती है। इस वजह से वो अपनी आँख की जगह सेब लगाकर भाग जाती है। वहीं मून के पास क्रिस्टल आता है जो उसे उसका सेट खराब है ये कहकर डरा देता है और फिर हंसकर कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, और अपनी बेटी पोर्शा से मून को मिलवाता है जो कि क्ले से मिलने आई थी। पोर्शा मून से पूछती है कि क्या इसका फ्लाई शो है क्योंकि मुझे ये शो काफी पसंद है। तभी रोशिता शो की रिहर्सल करने लगती है जिससे उससे हाइट से जंप करना था, मगर उसे ऊंचाई से डर लगता है और रोल करने से मना कर देती है। मून रोशिता के पास जाता है और उसे जंप करने को कहता है, मगर वो जंप नहीं करती। पोर्शा मून के पास आकर कहती है कि मैं जंप कर सकती हूँ, मगर मून उसे मना कर देता है। पोर्शा अपने डेट से कहती है जिसकी वजह से मून उसे जंप करने देता है। पोर्शा जंप करके काफी खुश होती है और गाना गाने लगती है और वो शो में लीड रोल करने को कहती है। मून उसे लीड रोल नहीं देता। क्रिस्टल मून को अपने साथ ले जाता है और उसे कहता है कि पोर्शा लीड रोल करेगी और वो वहाँ से चला जाता है। मून और रोशिता काफी उदास होते हैं। मून रोशिता से कहता है कि मैं तुम्हें कोई और रोल दे दूंगा। रोशिता सभी के सामने खुश होती है और कहती है कि मैं भी इस रोल को नहीं करना चाहती थी और बाथरूम जाकर रोने लगती है क्योंकि रोल करना उसका सपना था। वहीं जोनी डांस क्लास में लेट पहुंचता है जिसकी वजह से क्लाउस उसका टेस्ट लेते हैं जिससे वो ठीक से डांस नहीं कर पाता। जोनी क्लास से भागकर आ जाता है और गुस्से में आकर अपना स्केटबोर्ड तोड़ देता है क्योंकि क्लाउस जानबूझकर जोनी को परेशान करते थे। वहीं जोनी एक स्ट्रीट डांसर नोशी से मिलता है और उसे अपने साथ कॉफी पीने ले जाता है। जोनी नोशी से डांस सिखाने को कहता है, मगर वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करती और कहती है कि तुम इतना बड़ा शो कर रहे हो तो तुम्हारे पास डांस सिखाने वाला क्यों नहीं है। जोनी कहता है कि वो मुझे ठीक से नहीं सिखाते और
और जोनी कैफे में गाना गाने लगता है, सब उसकी तरफ देखने लगे थे, जिसकी वजह से नोशी उसे डांस सिखाने के लिए मान जाती है। जोनी नोशी के साथ क्लाउस के पास जाता है और कहता है कि मुझे अब नोशी डांस सिखाएगी। क्लाउस नोशी को देखकर काफी गुस्सा होता है और कहते हैं कि तुम मुझे लायक नहीं समझते और वैसे भी ये कुछ सीख नहीं पाएगा। नोशी कहती है कि मैं इसे 2 दिन में सब कुछ सिखा दूंगी। वहीं क्रोली मून के पास आती है और कहती है कि आप क्ले के पास मत जाना। वहीं पोर्शा और रोशिता शो की प्रैक्टिस करने लगते हैं, जिसमें रोशिता एक एलियन का रोल कर रही है। पोर्शा की एक्टिंग मून को पसंद नहीं आती, पर वो क्रिस्टल को खुश करना चाहता था इसीलिए उसे रोल से नहीं हटाता। सुकी मून से कहती है कि तुम्हें क्रिस्टल ने अभी बुलाया है। मून क्रिस्टल के पास जाता है। क्रिस्टल उससे क्ले के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि मेरी टीम ने क्ले के वकीलों से बात की है और उन्हें तुम्हारे शो के बारे में कुछ नहीं पता। और वो गुस्सा होकर क्ले से कहता है कि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अगले हफ्ते क्ले यहाँ होना चाहिए। मून कहता है कि मैं उन्हें लेकर आऊंगा और भागकर एश के पास चला जाता है और कहता है कि मैं क्ले से मिलने जा रहा हूँ। और गुंडा से कहता है कि शो की एंडिंग तुम्हें अकेले लिखनी होगी। और क्रोली को अपनी जगह देकर उससे स्टिक रहने को कहता है। एश भी मून के साथ क्ले से मिलने जाती है। मून और एश क्ले के घर के बाहर जाते हैं जहाँ उन्हें क्ले दिखाई दिए। दोनों उन्हें देखकर आवाज लगाते हैं, मगर क्ले उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वहाँ से नहीं जाते और घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। गेट पर करंट फैल रहा होता है जिसकी वजह से उन्हें शॉक लगता है और दोनों नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। वहीं पोर्शा को देखकर रोशिता काफी उदास होती है क्योंकि उस रोल को नहीं करके अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। वहीं मीना भी अपनी प्रैक्टिस डेरियस के साथ ठीक से नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वह सेट से बाहर चली जाती है, जहाँ उसे एक आइसक्रीम बेचने वाला मिलता है जिसका नाम अल्फोंसो था। मीना उससे आइसक्रीम ले लेती है और शर्मा के अंदर चली जाती है क्योंकि उसे पसंद करने लग गई थी। वहीं मून और एश को जब होश आता है तो खुद को क्ले के घर में पाते हैं। मून ऐसे पूछता है कि तुमने क्ले से शो के बारे में बात की। तभी क्ले कहते हैं कि मैं तुम्हारे शो में परफॉर्म नहीं करूंगा और तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा। मून उनसे रिक्वेस्ट करता है मगर उसे मना करते हैं और कल सुबह से पहले उनके घर से जाने को कहते हैं। वहीं जोनी नोशी के साथ प्रैक्टिस करता है मगर वो अभी भी ठीक से नहीं कर पा रहा था, मगर उसे नोशी कहती है कि तुम सीख जाओगे, बस तुम क्लाउस की बातें भूल जाओ। नोशी के सिखाए जाने पर जोनी अच्छा डांस करने लगता है। वहीं क्लाउस जोनी का फिर से डांस टेस्ट लेते हैं जिसमें जोनी काफी अच्छा परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्लाउस काफी गुस्सा होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मीना अल्फांसो से बात करने जाती है मगर उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाती और हर बार उससे आइसक्रीम लेकर वापस आ जाती है। वहीं मून क्ले को मनाने की कोशिश करता है मगर क्ले उसकी बात नहीं मानते और उसे गिला कर देते हैं। एश क्ले के लिए शहद वाली चाय लेकर आती है जो उनकी पसंद की थी, मगर उनकी वाइफ के मरने के बाद वो शहद वाली चाय नहीं पीते। मून फिर से क्ले को मनाने की कोशिश करता है। क्ले कहते हैं कि मेरी आवाज गाने जैसी नहीं रही। एश कहती है कि ये सब आपकी वाइफ की वजह से हो रहा है, मगर आपको गाना गाना चाहिए क्योंकि आपकी वाइफ को आपको इस तरह देखकर अच्छा नहीं लगता और आपने सभी गाने अपनी वाइफ के लिए लिखे थे तो आपको उन्हें गाना चाहिए। क्ले गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मैंने 15 सालों में खुद का एक गाना भी नहीं सुना और उसकी एक वजह मेरी वाइफ है जिससे मैं बहुत प्यार करता था। और वो वहाँ से चले जाते हैं। एश मून से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं उन्हें लेकर आऊंगी। वहीं मून अपनी टीम के पास फिर से चला जाता है और अपनी टीम की फाइनल रिहर्सल चेक करता है, जिसमें पोर्शा अपना रोल ठीक से नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मून पोर्शा से अकेले में बात करने को कहता है। पोर्शा मून के पास बात करने आती है। मून उसे कहता है कि शो को हिट करने के लिए लीड रोल रोशिता को फिर से देना होगा और मैं तुम्हें दूसरा रोल दे दूंगा। पोर्शा उसकी बात नहीं मानती और इसके बारे में क्रिस्टल को जाकर बताती है। वहीं एश क्ले के घर के बाहर बैठकर क्ले का गाना गाने लगती है, जिसे सुनकर क्ले उसके पास आकर बैठ जाते हैं। वहीं ये खबर न्यूज में फैल जाती है कि पोर्शा को उसके डेट के शो से निकाल दिया गया। ये देखकर क्रिस्टल काफी गुस्सा होता है और मून को अपने पास बुलाते हैं। मून क्रिस्टल के पास जा रहा था तभी उसे एश का फोन आता है। वो उसे कहती है कि क्ले शो के लिए मान गए। मून खुश होकर क्रिस्टल के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्ले यहाँ आने वाले हैं। क्रिस्टल कहता है कि तुमने पोर्शा को शो से निकाल दिया, मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए मना किया था, और उसे छत से नीचे फेंकने लगते हैं। तभी जेरी वहाँ आकर क्रिस्टल से कहता है कि आपका एक लाइव शो है जिसके लिए हमें देर हो रही है। क्रिस्टल क्ले को नहीं फेंकता और उसे कमरे में बंद कर देता
करता है। सुकी आकर मून को कमरे से बाहर निकालती है और से कहती है कि तुम्हें इस शहर से भागना होगा और मैंने तुमसे इसीलिए कहा था कि तुम इस जगह के लिए ठीक नहीं हो। मून डरा हुआ था और घबरा कर वहाँ से भागता है और क्रॉली से कॉल पर कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। वहीं जेरी रूम में आकर देखता है और से पता चलता है कि मून यहाँ से भाग गया और वो क्रिस्टल को इसके बारे में कहता है। क्रिस्टल अपने गार्ड से मून को ढूंढने को कहता है। मून वहाँ से भागने की तैयारी करता है तभी उसके कमरे में कोई आता है जिसकी वजह से वो बैग में छिप जाता है, मगर वो ऐश होती है। ऐश आकर उसे बैग से बाहर निकाल देती है। मून कहता है कि क्रिस्टल मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। क्ले ये सब देख कर वहाँ से जाने लगती है और रूम का गेट खोलती है जहाँ उसे मून के दोस्त मिलते हैं जिसमें क्रॉली भी होती है। क्रॉली क्ले को देखकर बेहोश हो जाती है क्योंकि क्ले ने उसे अपने घर से डराकर भगा दिया था। वहीं सभी वहाँ से भागने लगते हैं। क्ले सभी से कहते हैं कि तुम भागने के लिए यहाँ नहीं आए थे, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तभी मून टीवी में देखता है कि क्रिस्टल ने शो को कैंसिल कर दिया है। ये देखकर सभी वहाँ से जाने लगते हैं। मून सभी से कहता है कि हम एक रात के लिए क्रिस्टल के थिएटर में शो करेंगे। सभी उससे ऐसा करने के लिए मना करते हैं। मून कहता है कि हम शो करेंगे। तभी क्रिस्टल के गार्ड वहाँ उन्हें पकड़ने आते हैं, इसीलिए मून सभी को लेकर रिवर राइड में कूद जाता है और गार्ड को चकमा देकर फिर से थिएटर में चला जाता है। थिएटर में रात की शिफ्ट के सफाई करने वाले होते हैं जिन्हें मून जाने को कहता है। मून क्रॉली से एक एलियन लाने को कहता है। क्रॉली जाकर पोर्शा को अपने साथ ले आती है। पोर्शा भी दूसरा रोल करने के लिए मान जाती है। सभी को अपनी जान का खतरा होता है इसीलिए जॉनी अपने डेड को बुला लेता है जो कि एक बहुत बड़े गैंगस्टर है। वहीं मून ऑडियंस को बुलाने लगता है और गार्ड को चकमा देने के लिए रोशिता अपने बच्चों को क्रिस्टल के होटल में भेज देती है। रोशिता के बच्चे होटल में जाकर तोड़फोड़ करने लगते हैं जिसकी वजह से सभी गार्ड बच्चों को पकड़ने जाते हैं। मून सभी को टीवी पर लाइव आकर कहता है कि हम आज रात शो करने वाले हैं जिसमें मिस्टर क्ले भी आएंगे। वहीं जॉनी के डेड भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर जॉनी काफी खुश होता है और वो शो में उनकी सिक्योरिटी करने लगते हैं ताकि क्रिस्टल उनका शो बंद न कर सके। जेरी क्रिस्टल को जाकर बताता है कि मून शो को करने वाला है। क्रिस्टल उसे रोकने के लिए जाता है। वहीं शो शुरू होता है जिसमें रोशिता लीड रोल करती है और उनका पहला परफॉर्म युद्ध के प्लेनेट पर होता है जिसमें जॉनी एक एलियन योद्धा बना है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर क्लाउस खुद उसके साथ डांस करने चले जाते हैं क्योंकि वो जॉनी से नफरत करते थे और उसके शो को खराब करना चाहते थे और उसे नीचे गिरा देता है। मगर नोशी और उसके डेट फिर से उसे हिम्मत देती है जिसकी वजह से जॉनी काफी अच्छा परफॉर्म करता है और क्लाउस को हरा देता है और उसका परफॉर्म सुपर हिट होता है। वहीं क्रिस्टल शो को रोकने के लिए थिएटर में पहुंच जाता है जहां पोर्शा एलियन के प्लेनेट का परफॉर्म करती है। जॉनी के डेट क्रिस्टल को रोक लेते हैं और उसे अंदर नहीं जाने देते, मगर वो फिर भी उनसे बचकर अंदर चला जाता है और पोर्शा को डांस करने से मना करता है, मगर उसकी बात नहीं सुनती। वहीं मून क्रिस्टल को एक बॉक्स में बंद कर देता है ताकि वो शो को नहीं रोक सके। पोर्शा का डांस और गाना सभी को पसंद आता है। तीसरा शो मीना का होता है। वो थोड़ा नर्वस होती है मगर वो अल्फोंसो को शो में देख लेती है जिसकी वजह से उसे डेरियस में अल्फोंसो दिखने लगता है और वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है और उसका परफॉर्म भी सुपर हिट होता है और अल्फोंजो से बात करने लगती है और उसे शो के बाद मिलने को कहती है। वहीं आखिरी प्लेनेट निराशा का होता है जिसमें रोशिता परफॉर्म करती है जिसमें उसे हाइट से जंप करना था मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। वहीं क्रिस्टल को जेरी बाहर निकाल देता है और वो मून को पकड़ लेता है। क्रिस्टल मून को हाइट पर ले जाकर फेंक देता है। रोशिता मून को गिरते हुए देखती है और बिना डरे जंप करके उसे बचा लेती है और सभी की तरह उसकी परफॉर्मेंस भी हिट होती है। वहीं शो का आखिरी प्ले, क्ले ने 15 साल में एक भी गाना नहीं गाया था जिसकी वजह से वो काफी नर्वस होते हैं। इस वजह से वो स्टेज पर नहीं जाते। ऐश अकेली स्टेज पर जाकर क्ले का गाना गाने लगती है। शो को देखने काफी लोग आए थे, वो भी ऐश के साथ गाना गाने लगते हैं। ये सब देखकर क्ले को भी जोश आता है और वो भी ऐश के साथ शो में गाना गाने लगते हैं। क्ले को देखकर लोग काफी खुश होते हैं और मून का शो सुपर हिट होता है। जॉनी के डेड क्रिस्टल को पकड़ लेते हैं। क्रिस्टल स्टेज पर आकर सभी लोगों से कहने लगता है कि मेरी पूरी टीम ने अच्छा काम किया है और मैं चाहता हूँ कि हमारा शो आगे भी यूं ही चलता रहे। और वो सबके सामने ये साबित करना चाहता था कि शो को कैंसिल करना शो का एक हिस्सा था, मगर सभी को पता चल जाता है कि क्रिस्टल झूठ बोल रहा है। सुकी पुलिस को अपने साथ लेकर आती है और क्रिस्टल को गिरफ्तार करा देती है क्योंकि उसने मून को मारने की कोशिश की थी। सभी खुश होते हैं और अपने घर वापस जाने
जाने लगते हैं, तभी सुकी उनके पास आती है और उनसे कहती है कि मुझे मजिस्ट्री का कॉल आया था, उन्हें तुम्हारा शो काफी अच्छा लगा और वो तुम्हारे शो को चलाने के लिए अपना थिएटर देना चाहते हैं। क्ले भी उनका साथ देने के लिए हाँ कर देते हैं। वहीं सभी अपने शो को करने के लिए मजिस्ट्री के थिएटर में जाते हैं, जहाँ मिस नाना भी आती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।